तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया है। ये रहा फ्रिज का सेक्शन या रेफ्रिजरेटर का सेक्शन। तो ये वाला सेक्शन पूरा ऊपर से नीचे तक रेफ्रिजरेटर है, जहाँ कि आप अपने सारे किचन के सामान स्टोर कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रीजर के साइड पर। तो ये रहा मेरा फ्रीजर सेक्शन। फ्रिज छोटा या बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें और सारे सामान अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, एक तो बात यह है कि हमें चीज़ें आसानी से मिल जाते हैं, और दूसरा ये है कि हमारा फ्रिज हमेशा नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज्ड होके रहता है। आई विल गो इन डिटेल्स हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज्ड माई फ्रिज, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपनी वेजिटेबल्स और सारे सामान कैसे स्टोर करके रखती हूँ। स्टोरेज के लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के बास्केट्स एंड कंटेनर्स। इसमें मैं स्टोर करती हूँ बेकिंग के जितने भी सामान हो गए, जैसे कि एसेंस, फूड कलरिंग्स, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और भी जो भी छोटे मोटे चीज़ें होती हैं ना, मैं यहाँ पर ही स्टोर करती हूँ। मैं अपनी सारी ड्राई मसाला पाउडर जो होते हैं ना, जैसे कि बिरयानी पाउडर हो गया, फिर चाट मसाला पाउडर हो गया, वो सारे फ्रिज में ही रखती हूँ। तो इस तरह से मैं एक तरह से ट्रे में अरेंज करके फ्रिज में डाल देती हूँ। इस तरह ना ज़रूरत के टाइम पर हर चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है और मसाले ख़राब भी नहीं होते हैं। फ्रिज हमारा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसको हमेशा हमें साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि ईच सेल्फ इज नीटली ऑर्गेनाइज्ड। जब हम फ्रिज में इतने सारे सामान स्टोर करते हैं, तो ये तो होता है कि ये जल्दी गंदे भी होते हैं। तो ये जल्दी गंदे ना हो, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जो फ्रिज का जो सेल्फ है उसके ऊपर हम जो मैट्स होते हैं ना, ऑनलाइन मिल भी जाते हैं ट्रांसपेरेंट मैट, उसको डाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर मैंने जैसे यूज़ किया है थर्मोकोल का प्लास्टिक सीट, तो इस तरह के मैट भी अवेलेबल है, आप इसको भी डाल सकते हैं। ये इजीली वॉशेबल भी है, जल्दी सूख भी जाते हैं और हमारा फ्रिज इतने जल्दी गंदे भी नहीं होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो डोर साइड है, वहाँ पर भी मैंने वो थर्मोकोल का प्लास्टिक सीट डाला है। तो इस तरह से क्या होता है ना, हमारा ईच एंड एवरी सेल्फ नीट एंड क्लीन रहता है और जल्दी गंदे भी नहीं होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पम्पकिन को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके कैसे रखा जा सकता है। तो जब भी आप पम्पकिन लाए, आप ये जो सीड का सेक्शन देख रहे हैं ना, इसको आप निकाल ले, तो इससे क्या होता है ना, ये ख़राब नहीं होता है। और बाज़ार से लाते ही उसको पानी से बाकी सब्जियों की तरह मत धोए, इसको आप ऐसे निकालने के बाद ना छोटे छोटे पीस में कट कर लें, और इसको इस तरह से आप एक न्यूज़पेपर ले लें या फिर किचन टॉवल होता है ना, उसमें भी आप इस तरह से रैप करके आराम से फ्रिज में स्टोर कर ले। ये ना 10 से 15 दिन तक ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी पालक हो गया, फिर धनिया के पत्ते हो गए, उनको कैसे स्टोर करती हूँ। तो उनके लिए मैं इस तरह की कंटेनर यूज़ करती हूँ। बाज़ार से लाने के बाद इनका जो रूट पार्ट होता है ना, मैं उनको काट के निकाल लेती हूँ और फिर इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ जो भी कचरा होता है, फिर कंटेनर में किचन टॉवल या फिर न्यूज़पेपर डाल के इस तरह से मैं कवर करके रख देती हूँ। यूज़ करने से पहले मैं इनको फ्रिज से निकाल कर अच्छी तरह से धो लेती हूँ, फिर कुकिंग करती हूँ। इस तरह के स्टैकेबल कंटेनर्स यूज़ करने से एक तो हमारे फ्रिज में चीज़ें ऑर्गेनाइज होके रहता है, दूसरा ये है कि फ्रिज में बहुत सारे जगह भी बन जाते हैं। फ्रिज में स्टोर करने से पहले सब्जियों को मैं इस तरह से अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो लेती हूँ। धोने के बाद एक सूखे टॉवल पर इस तरह से बिछा के सुखा देती हूँ। वेजिटेबल स्टोरेज के लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के जिपलॉक पैक्स, ये काफ़ी आसान होते हैं स्टोरेज के लिए। चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे जो नॉर्मल जिपलॉक बैग होते हैं ना, उसको आप एयर टाइट बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, वेजिटेबल को इस तरह रखने के बाद ना, आप हाफ क्लोज कर दीजिए बैग को, उसके बाद आप हाथों से इसे प्रेस करके जितने भी एयर है उसको निकाल दीजिए, फिर जिप को बंद कर दीजिए। ये बन गया हमारा एयर टाइट बैग। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से पैक कर लिया है। अब देखते हैं कि मैं कैसे अपने जो हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, अदरक हो गया, फिर लेमन, कैसे मैं स्टोर करती हूँ। उनके लिए मैं इस तरह की कंपार्टमेंट वाला बक्स यूज़ करती हूँ। तो पहले तो मैं उनको धो के सुखा लेती हूँ, और जो चिली है उसका जो डंडी है उसको निकाल लेती हूँ, फिर नीचे किचन टॉवल डालकर
इस तरह से मैं स्टोर कर लेती हूँ। इस तरह स्टोर करने से ना ये सारी चीज़ें एक महीने तक आराम से चल जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते। फ्रिज का जो वेजिटेबल और फ्रूट बास्केट है वहाँ मैं स्टोर करती हूँ जितने भी बड़े बड़े वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि रॉ पपाया, कॉलीफ्लावर, कैबेज, या फिर हम मार्केट से बहुत सारे टमाटर ले आते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर ही स्टोर करती हूँ। फ्रिज का काम होता है कि हमारे किचन की जितने भी सामान हो गए उनको अच्छी तरह से स्टोर करके रखता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि हमारे जो काम है और भी आसान बन जाए। एक्स्ट्रा कट वेजिटेबल्स को मैं प्लास्टिक में अच्छी तरह से रैप करके इन बास्केटों में डाल देती हूँ। हमारा जो वेजिटेबल और फ्रूट बास्केट होता है ना, मैं उधर रख देती हूँ। फ्रूट्स को भी मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ। ये है कुछ सामान जो कि मैं ओकेजनली यूज़ करती हूँ। तो अगर मैं पैकेट ओपन कर रही हूँ तो मैं इस तरह से उनको सीलिंग क्लिप डाल के फ्रीज में स्टोर कर देती हूँ, तो ये बहुत दिन तक चल जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को इस तरह से बास्केट्स में अपने जो फ्रीजर का सेक्शन है ना उधर ही स्टोर करती हूँ। ये बास्केट्स मैंने वेजिटेबल स्टोरेज के लिए लिया है। वेजिटेबल्स को इस तरह से मैं बास्केट्स में रखना प्रेफर करती हूँ। जिपलॉक पैक में पैक करने के बाद इस तरह से मैं बास्केट में रखती हूँ। तो इस तरह रखने से क्या होता है ना, एक तो ये इजीली विजिबल हो जाते हैं कि हाँ कौन से वेजिटेबल कहाँ पर है, तो हमें ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से मैं सारी वेजिटेबल्स स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। अब देखते हैं मेरा फ्रिज मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये रहा फर्स्ट सेल्फ जहाँ मैं रखती हूँ अपना दही और दूध। यहाँ पर मैंने जूस और कुछ मिठाई के डब्बे भी रखे हैं। सेकंड सेल्फ में रखती हूँ सिर्फ लेफ्टओवर फूड्स के लिए। यहाँ पर मैंने बटर रखा हुआ है क्योंकि ऊपर जगह नहीं था। वहाँ एक ग्लास कंटेनर में मैंने रखा है बेकिंग सोडा जो कि एब्जॉर्ब करता है, फ्रिज का जो भी स्मेल हो गया उसको एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर छोटा सा बास्केट है जहाँ मैं रखती हूँ ग्रीन चिली हैंड यूज़ के लिए। उसके नीचे वाला सेल्फ पर मैं रखती हूँ जो बचा हुआ कट वेजिटेबल्स होते हैं वो वाला बास्केट। उसके साइड पे मैंने रखा है कोरिएंडर और स्पिनच का कंटेनर। ये वाला सेल्फ पर मैं रखती हूँ मेरी सारी वेजिटेबल बास्केट्स। अब नीचे जो फ्रूट या वेजिटेबल बास्केट है उसमें मैंने इस तरह से अपने टमाटर, पपाया, कैबेज वगैरह स्टोर करके रखा है। इसके नीचे और भी एक फ्रूट बास्केट है जिसमें मैंने रखा है कुछ फ्रूट्स। मेरे पास बहुत कम फ्रूट्स थे तो यहाँ मैंने रखा है। यहाँ एक कंटेनर में ये है ड्राई नीम फ्ला, मेरी मम्मी ने दी थी। यहाँ पर और एक कंटेनर में मैंने रखा है पीनट्स। अब देखते हैं कि मैंने फ्रिज का जो डोर साइड है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा है। यहाँ मैं स्टोर करती हूँ बेकिंग के लिए सारे सामान, जैसे कि बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट और जितने भी सारे एसेंस और फूड कलरिंग वगैरह। उसके नीचे वाले सेक्शन में मैं रखती हूँ अपनी सारी जो ड्राई मसाला पाउडर। उसके नीचे वाला सेक्शन में मैं रखती हूँ विनेगर, सोया सॉस और ग्रीन चटनी, सेजवान चटनी, जिंजर गार्लिक पेस्ट या फिर ब्रेड स्प्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके नीचे मैंने रखा है सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स और पास्ता सॉस। तो ये रहा मेरा पूरा फ्रिज का सेक्शन। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फ्रीजर सेक्शन, तो फिर चलिए। तो ये है मेरा फ्रीजर। ऊपर वाला सेक्शन आइस ट्रे के लिए है। यहाँ मैं आइसक्रीम भी स्टोर करती हूँ। उसके नीचे वाला जो सेल्फ है यहाँ मैंने रखा है कुछ आलू टिक्की के पैकेट्स। इस बास्केट में जो भी सारे मसाले हैं मैंने दिखाया था आपको, दो बास्केट्स हैं मेरे पास, तो दोनों में ही वही जो मसाले छोले हो गए ये सारे चीज़ें हैं। और साइड में कुछ बर्गर पाटीज और स्नैक्स पैकेट्स हैं। नीचे वाला सेल्फ पर मैंने रखा है इंस्टेंट पराठा
कभी कभी बच्चे स्नैक या ब्रेकफास्ट के टाइम पर ले लेते हैं। नीचे वाला जो दो बास्केट से वो सिर्फ मीट एंड फिश के लिए है। हाँ, मैंने रखा है पनीर। एक्चुअली मैं रॉ मीट या फिश ज़्यादा दिन तक के लिए फ्रीजर में नहीं रखती हूँ, ट्राई करती हूँ जल्दी से जल्दी कंज्यूम करने के लिए। यहाँ पर मैंने रखा है चिकन नगेट्स। अब चलते हैं डोर के साइड पर। यहाँ मैंने स्टोर किया है कुछ फ्राइड बीन कर्ट्स। कभी कभी मैं चाइनीज़ करी या थाई करी में यूज़ करती हूँ। नीचे वाला सेक्शन में मैंने रखा है रेजिन, स्लाइस्ड आलमंड्स एंड चोको चिप्स। उसके नीचे मैंने स्टोर किया है कुछ ड्राई फ्रूट्स। इस कंटेनर में मैंने रखा है काजू और दूसरे में बादाम है। उसके नीचे मैंने रखा है ग्लूकोन डी जो कि मैंने ओपन कर लिया था, और ये रहा कॉफ़ी। तो ये रहा पूरा फ्रीजर का सेक्शन। तो कैसा लगा आपको मेरा ये फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड गिव मी अ थम्स अप इफ यू रियली लाइक इट। टेक केयर एंड बाय बाय।